सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा अकेडमी। मेरा नाम है रंजन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन यूनिवर्सिटी की पाठशाला का। तो आज का जो यूनिवर्सिटी की पाठशाला का सेशन है, इसमें मॉड्यूल नंबर 2 सिंगल फेज एसी जो है उसके अगले टॉपिक पर, यानी कि सेकंड टॉपिक पर हम लोग आ चुके हैं। और सेकंड टॉपिक क्या है? तो भाई सेकंड टॉपिक जो है दैट इज द रिप्रेजेंटेशन पार्ट। रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम अलग अलग वैरायटी ऑफ रिप्रेजेंटेशंस जो है वो देखने वाले हैं। और आई होप कि इससे पहले आप लोगों ने पिछला वीडियो देख लिया होगा जहां से हम लोगों ने सिंगल फेज एसी सर्किट्स के चैप्टर को शुरू किया है। अगर नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके फटाफट से इसको देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन करते हैं स्टार्ट तुरंत के तुरंत। और आज का जो कंटेंट है वो मैं आपको दिखा दूं सबसे पहले कि आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो आज के इस वीडियो में ये सारी चीजें आपको मिलने वाली कि भाई सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द बेसिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल फेज एसी। बेसिक्स जो है वो क्या क्या है रिप्रेजेंटेशन से जुड़ा हुआ। सेकंड पॉइंट पर ग्राफिकल फॉर्म और मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन हम इसके अंदर देखेंगे। देन उसके बाद फैक्टर्स एस्टैब्लिशिंग द रिलेशन बिटवीन एसी मैग्नीट्यूड, कि एसी के मैग्नीट्यूड्स को आपस में रिलेट करते हुए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। और लास्ट पॉइंट पर हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे जो इन अबव टॉपिक से जुड़े हुए हैं, कि कितने मार्क्स के कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बनते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। कुछ बेसिक से डेरिवेशन जो है वो मैं आपको बताऊंगा। और एक चीज जरूर करिएगा कि नोट्स अगर आप बना रहे तो एकदम सीक्वेंस में बनाइएगा। वीडियोस जो फॉलो कर रहे हैं एकदम प्रॉपर सीक्वेंस में फॉलो करते चले जाइएगा, तो उससे आपको कनेक्ट करते बनेगा, बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। मैं एकदम प्रॉपर सीक्वेंस डिजाइन करके उसी अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो भाई सबसे पहले शुरुआत करते हैं फ्रॉम द बेसिक पार्ट। तो पिछली क्लास में मैंने आपको सिंगल फेज एसी का जनरेशन बताया था कि एसी ऑल्टरनेटिंग करंट जो है उसका जनरेशन किस तरीके से होता है। तो फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्या वहाँ पर रोल है, कैसे फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत को वहाँ पर फॉलो किया जाता है, और वहाँ पर जो रिलेटिव मोशन बिटवीन अ सेट ऑफ कंडक्टर्स एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंस्टिट्यूट करता है एक इंड्यूस्ड नेचर ऑफ ईएमएफ को, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ को जो कि साइनोसॉइडली वेरिंग है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, साइन का एंगल बनाता है समय के साथ साथ और उसी हिसाब से वो लगातार वेरी करता रहता है। उसके और कैरेक्टरिस्टिक और बेसिक टर्म्स यूज हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। अब आज बात करेंगे कि भाई क्वांटिटी का जनरेशन जब सीख लिया, उसका ईएमएफ इक्वेशन डिराइव करना समझ गए, तो अब बात करते हैं कि इन क्वांटिटीज को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो होता है यहां से शुरू, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट का रिप्रेजेंटेशन। क्यों इसी ऑर्डर में पढ़ना क्यों जरूरी है? कोई भी नई चीज को सबसे पहले आप कैसे जनरेट हुई वो समझते हैं, उसके बाद उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे बताया जाए, कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, यही अगला स्टेप होता है। और जितना अच्छे तरीके से आप सीक्वेंस में पढ़ेंगे ना, उतना बढ़िया से कनेक्टिविटी बनेगी। हर टॉपिक एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो जितना अच्छा आप सीक्वेंस में पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्वांटिटी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इवॉल्व कैसे हुई वो पूरी क्वांटिटी, कैसे आप तक आज के डेट में जो ऑल्टरनेटिंग सप्लाई पहुँचती है आपके घर तक, उसका एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, उस पर क्या क्या चेंजेस हुए, उसको कैसे बताते हैं, क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, एनालिसिस कैसे करते हैं, सब चीज पता चल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल फेज एसी की अगर हम लोग बात करें तो ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को बेसिकली तीन तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। देयर आर थ्री डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट द ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज। कौन कौन से थ्री मेथड्स हैं? देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ representing, three methods of representing the alternating quantities, the alternating quantities, कौन कौन से three methods होते हैं? देखिए सबसे पहला जो method है, first method is a graphical form. फर्स्ट मेथड इज द ग्राफिकल फॉर्म, ठीक है। सेकंड जो मेथड है दिस इज मैग्नीट्यूड फॉर्म, सेकंड मेथड इज मैग्नीट्यूड फॉर्म, और थर्ड जो मेथड है इट इज नोन एज मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म। इसमें से आखिरी के जो दो हैं यानी कि मैग्नीट्यूड फॉर्म और मैथमेटिकल फॉर्म, जिस बच्चे का इन दो टॉपिक पर कमांड हो गया उसको न्यूमेरिकल बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी,
उसको बहुत सारा कुछ समझ में आने लग जाएगा कि न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या एस्पेक्ट यूज़ कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड अगर क्वेश्चन में बताया हुआ है कि 200 वोल्ट की सप्लाई है, तो वो 200 वोल्ट जो है वो कौन सी वोल्टेज है, आरएमएस है कि मैक्सिमम है कि एवरेज है, ये सारी चीज़ों की क्लैरिटी जो है वो इसी टॉपिक के भीतर से आती है। ध्यान से देखिएगा एसी के टॉपिक्स को, और एसी में तो इनफैक्ट सारे के सारे टॉपिक जैसा कि मैंने आपको बताया इंटर रिलेटेड है, इसलिए हर टॉपिक अपने आप में अलग एक वेटेज रखता है, एक इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डेडिकेटेड क्वेश्चन आता है क्या इनके अंदर से? बिल्कुल आता है इससे डेडिकेटेड क्वेश्चन। दूसरा, क्या इसके ऊपर बेस्ड बड़े क्वेश्चन बनते हैं? हाँ, बड़े क्वेश्चन का बेस इन्हीं दो टॉपिक के अंदर से आता है, और जब फेजर बनाने की बारी आएगी तो पहला वाला टॉपिक जो है वो भी यूटिलाइज होगा वहां से। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं ये तीनों मेजर फॉर्म्स को पढ़ना, और ग्राफिकल फॉर्म, मैग्नीट्यूड फॉर्म और मैथमेटिकल फॉर्म तीन तरीके हैं ऑल्टरनेटिव क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। डीसी में आपने ऐसा कहीं कुछ नहीं पढ़ा, हालांकि ग्राफ तो डीसी में भी हम लोग बनाते हैं, बट ऐसे मैग्नीट्यूड को अलग अलग फॉर्म में नहीं शो करते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड एक ही तरीके की होती है। ठीक, तो भाई सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द ग्राफिकल फॉर्म, कि ग्राफिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द ग्राफिकल फॉर्म। सो व्हाट इज दिस ग्राफिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन? देखिए, ग्राफ ड्रॉ करके हम ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को हम लोग ग्राफ बना के बढ़िया से एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज ट्रू। ठीक, लेकिन ग्राफ भी कितने तरीके का हो सकता है? तो भाई ग्राफ बेसिकली दो तरीके के हो सकते हैं इसके अंदर। सबसे पहला, या तो हम इसको वेव फॉर्म के तरीके से बताएं, है ना, या तो हम वेव फॉर्म के तरीके से बताएं, और या फिर हम इसको फेजर के फॉर्म में बताएं। दो तरीके हैं ग्राफिकली भी किसी क्वांटिटी को शो करने के। ठीक है, वेव फॉर्म बना के और फेजर बना के। अब दोनों में क्या क्या अंतर है वो समझते हैं। देखिए, अगर वेव फॉर्म बनाते हैं और फेजर बनाते हैं, दोनों ही जो मेथड्स हैं दोनों के दोनों आप यूज़ किए होंगे कभी ना कभी, दोनों से ही क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में जब न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते हैं या कुछ ऐसा इस तरीके के न्यूमेरिकल में लीड लैग का फेज जब रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो आपको फेजर फॉर्म ज़्यादा पूछता है, मतलब फेजर फॉर्म वहाँ पर ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है एज़ कम्पेयर टू द ग्राफिकल वन, मतलब वेव फॉर्म वन। वेव फॉर्म जो होता है वो ज़्यादातर आपको डेरिवेशन के अंदर दिखाई देता है। ठीक है, दोनों के एस्पेक्ट जानना ज़रूरी है। तो शॉर्ट में आपको बताता हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें थ्योरी लिखने की नीड नहीं है, बस आप बस समझते जाएगा कि होता क्या है। ठीक है, वेव फॉर्म जो होता है यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ को हम लोग दो एक्सिस के बीच में ट्रेस करते हैं। ठीक है, दो एक्सिस के बीच में ट्रेस करते हैं। तो पहला जो एक्सिस होता है एक्स एक्सिस, ये रिप्रेजेंट करता है टाइम ड्यूरेशन को या फेज एंगल को। टाइम ड्यूरेशन या फेज एंगल, टाइम के अलग अलग इंस्टेंट्स जो हैं, टाइम का पूरा जो सेगमेंट्स है या पूरा ड्यूरेशन बोल लो, ये सारा कुछ कोई रिप्रेजेंट कर सकता है, या फिर ये फेज एंगल्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, थीटा, फाई, ओमेगा, टी, ऐसे किसी भी फॉर्मेट में। जबकि वाई एक्सिस जो है क्वांटिटीज का, ये रिप्रेजेंट करता है इनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को। अब आप सोचेंगे सर इंस्टेंटेनियस वैल्यूज का मतलब, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू बेसिकली हम जो ये जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि हर एक इंस्टेंट पर, किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी की कितनी वैल्यू रही होगी। हर एक पॉइंट पर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड जो है वो डिफरेंट सेपरेट, तो हर इंस्टेंट पर क्वांटिटी की जितनी मैग्नीट्यूड है या जो चेंज आ रहा है उसको इंस्टेंट वाइज आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। तो उसके फॉर्म में इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो इनके बीच में जो बना हुआ ग्राफ होता है वो कहलाता है वेव फॉर्म। वही वेव फॉर्म का जो एस्पेक्ट है उसको दर्शाता है। ठीक है, जैसे आप आइडियली नॉर्मली अगर देखा जाए तो इस तरीके का ग्राफ जो है ऐसा कुछ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस तरीके का सपोज कर लीजिए ग्राफ ड्रॉ कर लिए, तो क्या एक एक ऐसे ग्राफ के अंदर कोई एक ही क्वांटिटी का वेव बना सकते हैं या एक से ज़्यादा क्वांटिटी का वेव भी बना सकते हैं? भाई हम मल्टीपल क्वांटिटी का वेव बना सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप एक ही क्वांटिटी के वेव को शो करो। मान लो किसी सर्किट का ये वोल्टेज अगर दिखा रहा है, तो हो सकता है कि मैं किसी उसी सर्किट का करंट वेव फॉर्म भी शो कर सकता हूं यहाँ पे, लाइक दिस। हो सकता है कि ये करंट दिखाए, तो पॉसिबल है आप एक से ज्यादा अलग अलग क्वांटिटीज को शो कर सकते हैं एक ही ग्राफ के अंदर एज मल्टीपल वेव फॉर्म्स। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, एक कंडीशन है। कौन सी कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई होनी जरूरी है पता है? कंडीशन ये है कि बोथ शुड हैव सेम
फ्रीक्वेंसी, इनके मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं, ये दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है ये सेम होनी चाहिए, चाहे वोल्टेज की बात करो या करंट की बात करो, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होगा तो सर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होगा तो टाइम पीरियड में अंतर हो जाएगा, टाइम पीरियड में अंतर होगा तो फिर इंस्टेंट्स अलग अलग होंगे, तो इसका मतलब टाइम इंस्टेंट्स आपको बार बार दिखाई देंगे, 5 सेकंड्स यहाँ दिख रहा है तो 5 सेकंड्स उधर भी कुछ देर के बाद दिखेगा। अब एक ही एक्स एक्स एक्सिस के ऊपर 5 सेकंड्स दो बार कैसे दिख सकता है, एक ही एक्स एक्सिस के ऊपर 10 मिली सेकेंड्स अगर है तो वो 10 मिली सेकेंड्स दो बार या तीन बार कैसे रिपीट होता हुआ दिख सकता है हर वेव के लिए अलग अलग, वो तो एक ही होगा किसी एक ही सेंट्रल पॉइंट पर होना चाहिए, लेकिन अब चूंकि फ्रीक्वेंसी अलग है इसलिए टाइम का चक्कर जो है वो पूरा अलग हो जाएगा, ठीक है। और वो उसके डिफरेंस की वजह से आपके ग्राफ के अंदर क्या होगा, मल्टीपल वैल्यूज रिपीटेटिव फॉर्म में दिखेगी, इस वजह से ये चीज़ सही नहीं माना जाता है और इसको नहीं फॉलो करते हैं। इंपॉर्टेंट होता है कि हमेशा एक से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को अगर एक ही ग्राफ के अंदर एज अ वेव फॉर्म शो करना है तो सभी क्वांटिटीज़ की कम से कम फ्रिक्वेंसी तो सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड देखो यहाँ वोल्टेज का ज़्यादा है करंट का कम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आप ड्रॉ कर सकते हो। फेज में देखिए दोनों के अंतर है वो भी ठीक है, उसको भी आप शो कर सकते हो, लेकिन फ्रीक्वेंसी में अंतर नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज वेव फॉर्म दो एक्सिस के बीच, एक्स एक्सिस आपको टाइम ड्यूरेशन फेज एंगल बता रहा है और वाई जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, ठीक। व्हाट अबाउट द फेजर, देखिए फेजर रिप्रेजेंटेशन हम लोग जो करते हैं, फेजर जो हम लोग ड्रॉ करते हैं इसमें सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि हम ये अज्यूम करके चल रहे होते हैं, है ना, हम लोग ये अज्यूम करके चल रहे होते हैं कि हमारी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी जो है वो स्पेस फेजर में, स्पेस में रोटेट कर रही है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। हमारी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी रोटेट कर रही है स्पेस में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस, किसी ना किसी एंगल पर लीड या लैग या इन फेज चल रही होगी, उसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जहां पे लाइन ऑफ डेफिनेट लेंथ इज ड्रॉन। हम लोग लिखते हैं इसके अंदर कि अ लाइन ऑफ डेफिनेट लेंथ इज ड्रॉन विच रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी, इसको मैं लिख देता हूं नहीं तो बाद में हो सकता है शायद याद ना रहे, चलिए इसको लिख लेते हैं, अ लाइन ऑफ डेफिनेट लेंथ विच रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, विच रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, अ लाइन ऑफ डेफिनेट लेंथ विच रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी इज ड्रॉन। और यहां से हम इसका फेज डिफरेंस जो है उसको देखते हैं कि भाई वो क्वांटिटी लीडिंग फेज पे है, लैगिंग फेज पे, कौन से कंडीशन पे। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको दो कंडीशन देता हूँ कि भाई 200 वोल्ट्स का पोटेंशियल है और करंट आई की वैल्यू 20 एम्पियर है और दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस है वो 30 डिग्री का है और वोल्टेज लीड कर रहा है फ्रॉम आई, मान लीजिए इतना कंडीशन मैंने आपको एज अ एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक। तो आप इसका फेजर कैसे शो करेंगे, कई तरीका है शो करने का, जरूरी नहीं है ना एक तरीके से बनाए, आप मल्टीपल मेथड से बना सकते हैं, मैं आपको दो तीन तरीके बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो पहला तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पर एक रेफरेंस फेजर ले लेता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि सभी की सभी क्वांटिटीज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पेस में ओमेगा रेडियंस पर सेकेंड की एंगुलर फ्रिक्वेंसी से घूम रही है, याद है आपको कॉयल वाले एग्जाम्पल में मैंने बताया था पिछली क्लास में। तो ये सब की सब क्वांटिटी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा रेडियंस पर सेकंड की एंगुलर फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रही हैं एंड इन दैट केस वोल्टेज आगे चल रहा है और करंट इससे पीछे चल रही है, ठीक है, वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है फ्रॉम द करंट। तो हो सकता है कि इसको आप ऐसे बना लो। अब देखिए आप ये सोचेंगे कि सर करंट की लाइन को छोटी क्यों बनाएं, करंट की वैल्यू 20 एम्पियर है यहाँ पर और वोल्टेज की वैल्यू 200 वोल्ट है, तो बताइए 20 और 200 में से 200 तो बड़ा है ना, तो यहाँ पर लाइन की लंबाई भी यही देख के बनाई जाएगी कि कौन सी वाली क्वांटिटी का डेटा या मैग्नीट्यूड ज़्यादा बड़ा है। तो जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसकी लाइन की लंबाई भी कंपैरेटिवली दूसरे वाले से बड़ी बनाएंगे आप। कितनी बड़ी बनाएंगे, क्या 200 सेंटीमीटर का बनाएंगे या 2 सेंटीमीटर का बनाएंगे क्या, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस ग्राफ में वो दिखना चाहिए, वो विजिबल होना चाहिए कि वो ग्रेटर है दूसरी क्वांटिटी से, तो ग्राफ में भी ऐसा दिखना चाहिए, ठीक। अब मैंने यहाँ पर करंट को बना दिया और मैंने आपको बोला कि स्पेस में ये सभी क्वांटिटीज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही हैं, इसका मतलब ये करंट की ग्राफ जो है वो वोल्टेज के तरफ आना चाहता है, ये जहाँ पर वोल्टेज की लाइन है उसकी तरफ जा रहा है, मतलब करंट अभी फिलहाल तो पीछे चल रहा है और पीछे चल रहा है तो कितने डिग्री से, जो जितना फाई आपको बताया उसको लिख दीजिए कि फाई की वैल्यू 30 डिग्री,
ये एक तरीका है इसको ड्रॉ करने का। यहाँ पे मैंने करंट को एज अ रेफरेंस फेजर लिया और उसके आधार पर बनाया। ठीक, दूसरा कंडीशन, सेकंड केस, इसी को ड्रॉ करने का तरीका नंबर दो। अब आप यही सेम फेजर ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इस बार आप रेफरेंस पे वोल्टेज को रख लीजिए। अब इस बार हो सकता है कि आप रेफरेंस पर वोल्टेज की लाइन को शो कर दें, ऐसे 200 वोल्ट से यहाँ लिख दूंगा मैं, वी इज इक्वल्स टू 200 वोल्ट। अब इससे करंट को मुझे क्या शो करना है, करंट आगे चल रहा है कि पीछे चल रहा है? देखिए करंट जो है वो लैग कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है फ्रॉम द करंट। ठीक है, तो देखिए मैं इसको क्या करूंगा, यहां से करंट को पीछे करता चलता हुआ दिखाऊंगा। तो करंट जो है वो पीछा कर रहा है वोल्टेज का, और मैं इसको बोलूंगा फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंड दिस इज आवर करंट आई जिसकी वैल्यू है 20 एम्पियर्स। देखिए अब एकदम क्लियर दिख रहा है, वोल्टेज आगे चल रहा है ऐसा भी बोल सकते हो, या फिर करंट पीछे चल रही है वोल्टेज से ये भी आप बोल सकते हो। बोथ द कंडीशन आर इक्वली जेन्युइन। ठीक, दोनों ही कंडीशन सूटेबल है। यहाँ पे भी एरो दिखाऊंगा मैं, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर ओमेगा रेडियंस पर सेकेंड की एंगुलर फ्रिक्वेंसी से रोटेट होता हुआ हमारा स्पेस में ये फेजर चल रहा है। ठीक है भाई, और बताइए और कोई तरीका है क्या इसको बनाने का? एक तरीका और है, मान लीजिए डेटा में आपको ये दिया होता कि करंट जो है वो 15 डिग्री पीछे चल रही है और वोल्टेज 15 डिग्री आगे चल रहा है, दोनों मिला के 30 डिग्री का डिफरेंस है दोनों के बीच, कैसे बनाते? एक ये भी एक और सिचुएशन आपको बताता हूँ, यही फेजर में ऐसा भी हो सकता था। तो उस कंडीशन में वोल्टेज आपको दिखता 15 डिग्री लीड करते हुए और करंट आपको मिलती 15 डिग्री लैग करते हुए ऐसे, और आप यहाँ पर इसको ड्रॉ करके लिखते हैं यहाँ से यहाँ तक 15 डिग्री, आई इज इक्वल्स टू 20 एम्पियर, इसमें भी आप लिखते हैं 15 डिग्री, और वी इज इक्वल्स टू 200 वोल्ट। स्पेस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए इसको शो करते हैं ओमेगा रेडियंस पर सेकेंड, और अब आप देखिए दोनों के बीच का टोटल जो फेज डिफरेंस है वो 30 डिग्री का है। बट इसके लिए शर्त क्या है पता है? आपको इंडिविजुअली दोनों का फेज एंगल पता होना चाहिए, तब ऐसा बना सकते हैं। ये वाला फेजर डायग्राम तब बना पाएंगे जब इंडिविजुअली आपको पता होगा कि करंट अपने रेफरेंस से कितना पीछे चल रही है या वोल्टेज कितना आगे चल रहा है उस रेफरेंस से, तब फिर उनके बीच का टोटल फेज एंगल भी आपको मिल जाएगा और फेजर इस तरीके का बना पाएंगे। अगर ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको टोटल फेज डिफरेंस दिया है, तो टोटल फेज डिफरेंस रख के आप इस तरीके से शो करते हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स कंडीशन कि कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। ठीक, तो ये फेजर बनाने के कुछ 2-3 तरीके हैं आपके पास। तो ये तो था ग्राफिकल फॉर्म। अब नेक्स्ट फॉर्म पर आपको मैं लेकर के आता हूँ, दैट इज द मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक, एकदम फटाफट से मस्त जल्दी से पढ़ते चले जाएंगे, कुछ भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं हम इसके अंदर। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। ठीक, कि ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज की मैग्नीट्यूड को कैसे बताया जाए, है ना, ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज की जो मैग्नीट्यूड है उसको कैसे शो किया जाए, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। अब मैग्नीट्यूड बताने के लिए अलग से मेहनत क्यों कर रहे हैं हम लोग, डीसी में तो ऐसा कुछ नहीं किया। देखिए डायरेक्ट करंट क्वांटिटी में मैंने आपको दिखाया था कि वो स्टेडी स्टेट क्वांटिटी है, उसमें ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है, उसका कोई भी टाइम इंस्टेंट उठा लो वैल्यू तो आपको उतनी मिलने वाली है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए डायरेक्ट करंट स्टेडी स्टेट सप्लाई में ऐसा ग्राफ आप बनाते थे, तो मान लीजिए करंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे तो कोई भी इंस्टेंट से चलेगा, मतलब देखिए कोई भी इंस्टेंट को आप देख लीजिए, तो मैं अगर कोई भी इंस्टेंट पे खड़ा हूँ तो मुझे तो ये वैल्यू सेम ही दिखाई देगी ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना इसका मैग्नीट्यूड इस इंस्टेंट T1 पे है उतना ही मैग्नीट्यूड T3 पर भी है, कोई फर्क ही नहीं है, तो इसमें क्या अलग अलग रिप्रेजेंटेशन करोगे? लेकिन AC में ऐसा नहीं है, AC में इंस्टेंट वाइज डिफरेंस आ रहा है क्वांटिटी की पूरी ओवरऑल मैग्नीट्यूड पे। तो इस वजह से हमको क्या करने की जरूरत है, इस वजह से हमको इसको इसके मैग्नीट्यूड्स को भी बताना है। तो जब आप मार्केट जाओगे, जब आप किसी को ये बोलोगे कि भाई मेरे घर पर जो सप्लाई करंट है वो 3 एम्पियर की है या 5 एम्पियर की करंट है, तो वो जो 5 एम्पियर आप बता रहे हो वो कोई ना कोई तो मैग्नीट्यूड होगा ना इस ऑल्टरनेटिंग करंट का। तो जैसे आप ये ऑल्टरनेटिंग करंट बनाए, मान लीजिए ऐसे ऑल्टरनेटिंग करंट की वेव बनाए, ठीक है, लाइक दिस, ऐसा आपने एक वेव क्रिएट कर लिया और लाइक दिस ओमेगा टी रेडियन, और यहाँ पे मान लीजिए आप करंट शो कर रहे हैं, ठीक है, एम्पियर्स में, और आपने इसका 360 डिग्री का रोटेशन भी दिखा दिया, यहाँ जीरो से शुरू हो रही है क्वांटिटी, यहाँ पर पाई और यहाँ पर 2 पाई। ठीक,
ये इसका पीक है आई एम और नेगेटिव पीक है आई एम। तो अब मान लीजिए आपने ऐसा कोई क्वांटिटी शो कर दिया और अब आपको इसकी मैग्नीट्यूड बतानी है, तो मैग्नीट्यूड तो कुछ भी हो सकती है, किसी इंस्टेंट की भी मैग्नीट्यूड हो सकती है, पीक वाले समय की मैग्नीट्यूड भी हो सकती है और जीरो वाले की भी मैग्नीट्यूड हो सकती है, फॉर्म कुछ भी हो सकता है, एवरेज भी बता सकते हो आप इसका, बहुत सारे तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के। तो स्टैंडर्ड में फॉलो क्या होता है कि जब हम बताते हैं किसी को कि भाई 5 एम्पियर की करंट है मेरे घर में, या जो वोल्टेज आप बताते हो किसी को कि 220 वोल्ट की सप्लाई है एट 50 हर्ट्स, तो वो 220 का फॉर्म क्या है? क्या आप पीक बताते हो क्या, या हाईएस्ट बताते हो क्या आपके घर की क्वांटिटी का, या फिर आप एवरेज निकाल के बताते हो क्या, या किसी एक रैंडम इंस्टेंट का बता देते हो क्या? ये पता करना जरूरी है और इसी के ऊपर बेस्ड ये वाला टॉपिक है। सो द मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन होल्ड्स फोर बेसिक कैटेगरीज। मैग्नीट्यूड जो है किसी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी का, उसको चार तरीकों से बताया जा सकता है, जिसमें से कि पहला है, फर्स्ट इज इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस फॉर्म। द सेकेंड वन इज द एम्पलीट्यूड फॉर्म। एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम वैल्यू इसी को बोलते हैं, पीक वैल्यू बोलते हैं, क्रेस्ट वैल्यू बोलते हैं, अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड फॉर्म के बाद नेक्स्ट इज एवरेज वैल्यू फॉर्म, और लास्ट है फोर्थ पॉइंट, दिस इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फॉर्म। ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फोर मेजर फॉर्म्स इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ही बताना है ना, चार तरीके हैं आपके पास बताने के, ठीक है। अब चारों तरीके का ग्रेजुअली एक एक करके छोटा छोटा सा एनालिसिस आपको मैं बता देता हूँ कि क्या क्या होते हैं। इंस्टेंटेनियस फॉर्म जो है वो कोई भी रैंडम इंस्टेंट की मैग्नीट्यूड होती है। इंस्टेंटेनियस फॉर्म जब आप पढ़ते हैं तो बेसिकली इट इज इंस्टेंटेनियस फॉर्म। डेरिवेशन आपको याद होगा, ईएमएफ इक्वेशन जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है डेरिवेशन में जो शो किया है, वो जिस फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है वो इंस्टेंटेनियस फॉर्म ही है, और उसी के आधार पर बनते हैं सभी के सभी इंस्टेंटेनियस फॉर्म्स। तो यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी को आप किसी भी इंस्टेंट के फॉर्म में शो करेंगे, जैसे करंट को शो करना है तो यू विल राइट आई एम साइन ओमेगा टी, साइनोसॉइडल वेव है हमारा, साइन के एंगल के फॉर्म में वेरी हो रहा है, या फिर आप लिखेंगे वोल्टेज वी इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, वी एम या वी नॉट, आई एम आई नॉट, ऐसे किसी भी फॉर्म में आप इसको लिखते हो। तो दिस इज द इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड, स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट करेंगे, टी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन से इंस्टेंट की बात हो रही है, ठीक है। ये इंस्टेंट टू इंस्टेंट वेरी करता है। सेकेंड जो होता है वो आप नाम से ही समझ गए होंगे कि एम्पलीट्यूड फॉर्म, एम्पलीट्यूड फॉर्म, जहां पर के हम ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज की पीक की वैल्यू बताते हैं। हम ये बताते हैं कि ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी अपने साइकिल के दौरान हाईएस्ट पीक और नेगेटिव डायरेक्शन का जो मैक्सिमम जो पीक है वो कितना अटेन करती है, और उस हिसाब से बताते हैं, ठीक। तो दिस एम्पलीट्यूड फॉर्म, इसी को हम लोग बोलते हैं पीक वैल्यू फॉर्म, इट इज द पीक वैल्यू अटेंड, इट इज द पीक वैल्यू अटेंड इन एनी साइकिल, किसी एक साइकिल के दौरान कितनी पीक वैल्यू कोई क्वांटिटी अटेन कर सकती है, दैट इज द पीक फॉर्म, एम्पलीट्यूड फॉर्म, क्रेस्ट वैल्यू फॉर्म, ठीक है। तो ये तो दो हो गए बेसिक्स है, अब जरा तीसरे पर आते हैं। तो द थर्ड वन इज द एवरेज वैल्यू फॉर्म, एवरेज वैल्यू फॉर्म, ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी का एवरेज फाइंड कर लें। अब अगर 2 मिनट के लिए आप अपनी कॉपी का पेज पलटें और थोड़ा पीछे चले जाएं जहां पे मैंने आपको टर्म्स यूज लिखाया था, तो आपको थोड़ी सी अच्छी वाली क्लैरिटी आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। टर्म्स यूज पर आ जाइए जल्दी से, और टर्म्स यूज पे जहाँ हम लोगों ने सभी के सभी टर्म्स एसी में जो यूज होते हैं मेजरली, उनको लिखा हुआ है, ठीक, और उनको ओपन कर लीजिए और उसमें जरा एक वर्ड जो है वो देखिएगा, जहाँ पे मैंने आपको पहला पॉइंट लिखाया होगा जिसमें लिखा होगा कि एक एसी साइकिल जो है उसका मतलब क्या होता है, एक एसी साइकिल जो है उसका मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको लिखवाया हुआ है। सभी आ गए उस पेज पर, 1 एसी साइकिल वाले पेज पर आ गए ना, चलिए ठीक है, मजा आएगा। ओमेगा टी रेडियंस, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं सबसे पहले 0 पाई 2 पाई,
एक बार उस पेज में जो जो लिखा हुआ है उसको एक बार रीड कर लीजिए अच्छे से, क्या क्या लिखा हुआ है, ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज जो है उनकी क्या टेंडेंसी होनी चाहिए, कब उसको हम एसी साइकिल बोलेंगे। तो एक एसी साइकिल के अंदर क्या क्या होना चाहिए, 2 बार पीक होना चाहिए, 3 बार जीरो वैल्यू अटेन करेगा वो, वेरियस इंस्टेंटेनियस वैल्यूज अटेन करेगा, उसका एवरेज के बारे में क्या लिखा है वो पढ़िए। किसी एक पॉइंट पर उसके एवरेज के बारे में एक चीज़ मैंने आपको लिखाया है कि इट इज़ हैविंग अ जीरो एवरेज वैल्यू ऑफ द एंटायर साइकिल, पूरी साइकिल का नेट एवरेज जो है वो जीरो है। एक और बात उसी के ऊपर या नीचे कहीं लिखवाया होगा मैंने कि इट क्रिएट्स अ सिमेट्रिकल वेव इन एवरी हाफ या इन एवरी ऑल्टरनेशन, हर आधी साइकिल के बाद ये क्वांटिटी खुद को रिपीट करती है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, डायरेक्शन चेंज कर देती है, पोलैरिटी चेंज कर लेती है अपने, ठीक है, लेकिन सिमेट्रिसिटी बिल्कुल सेम रहता है, सिमेट्रिक वेव रहता है। तो इस वेव का जो एवरेज निकलेगा फर्स्ट वेव का, ये अगर फर्स्ट वेव में लिख दूँ तो इसका जो एवरेज निकलेगा एग्जैक्टली उतना ही एवरेज सेकेंड वेव का भी निकलेगा। बस डिफरेंस बस दोनों में इतना रहेगा कि साइन का अंतर रहेगा, कि एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा वाला नेगेटिव साइन पे आएगा। तो इसीलिए जब हम इसका नेट एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो इट विल श्योरली बिकम जीरो। तो कभी भी टोटल या कंप्लीट साइकिल का एवरेज नहीं निकालते हैं, हालांकि डेरिवेशन की शुरुआत भले उस फॉर्म में कर सकते हैं बट एक हिस्सा हमेशा हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में मस्त तरीके से इसका डेरिवेशन बताता हूँ। तो एवरेज लिखने के लिए मैं आपको लिखाता हूँ, आई एवरेज इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व, एवरेज निकालने के और भी अलग अलग फॉर्मूले हैं, कोई भी एक मेथड से आप बनाइएगा। एरिया अंडर द कर्व अपॉन टाइम पीरियड, अपॉन टाइम पीरियड, कि भाई वो पूरा जिस कर्व की हम बात कर रहे हैं उसका टोटल टाइम पीरियड कितना है, ठीक है। ये एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, अभी इसी के बाद शॉर्ट में आपको मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा कि और कैसे आप एवरेज निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक मेथड हो सकता है उससे क्लिक ना करें, तुरंत सेकंड मेथड देखिएगा वो समझ आएगा। आपको पेपर में दोनों में से किसी से भी बना के आना है, ठीक है, नंबर आपको मिलेगा पूरा। तो आई एवरेज इज गिवन एज एरिया अंडर द कर्व अपॉन द टाइम पीरियड। तो एरिया अंडर द कर्व जो है कौन से एरिया की मैं बात करूंगा, तो मैं भाई किसी भी एक एरिया की बात कर सकता हूँ, हो सकता है पॉजिटिव ऑल्टरनेशन, हो सकता है नेगेटिव ऑल्टरनेशन, ठीक है। तो डेरिवेशन करना है मुझे तो मैं पॉजिटिव ऑल्टरनेशन को कंसिडर कर रहा हूँ, उसको तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि कंसिडरिंग कंसिडरिंग द पॉजिटिव ऑल्टरनेशन, कंसिडरिंग द पॉजिटिव ऑल्टरनेशन, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से पाई तक, ठीक है। अब मैं पूरा जीरो से टू पाई तक नहीं शो कर रहा हूँ, कोई मतलब नहीं, उसके बाद उसको हटाओ, उससे बेटर है कि आप एक ऑल्टरनेशन का ही सीधे सॉल्व करिए। तो जीरो से पाई तक का जो ऑल्टरनेशन है उसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ और इसका एवरेज निकालूंगा, ठीक। तो इसका एरिया अंडर द कर्व जो है वो क्या कैसे मिल जाएगा मुझे, तो दिस विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई लिमिट्स के अंदर आई एम साइन ओमेगा टी, किसी भी एक इंस्टेंट की वैल्यू उसके भीतर, डिवाइडेड बाय फाइनल इंस्टेंट क्या है मेरा, पाई माइनस जीरो, टाइम पीरियड क्या है पाई, तो पाई माइनस जीरो, जिस लाइन पर मैंने आप इसको जो बनाया हुआ है दैट इज ऑन ओमेगा टी, तो ओमेगा टी के एक्सेस पर है तो ओमेगा टी के फॉर्म में लिख लूंगा और इसी से मुझे एवरेज वैल्यू ऑफ करंट मिलेगा। करंट रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं लिख रहा हूँ, आप वोल्टेज का भी निकाल सकते हैं, ईएमएफ भी निकाल सकते हैं, सबके लिए तरीका यही है, फॉर्मूला सेम है, एंड रिजल्ट भी सेम रहेगा, ठीक है। चलिए तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे, तो अब यहाँ से कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लेते हैं, वी विल गेट आई एवरेज इज इक्वल्स टू आई एम डिवाइडेड बाय पाई और इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी इन रिस्पेक्ट फ्रॉम जीरो टू पाई। तो इसको मैं इंटीग्रेट कर लेता हूँ, आई विल गेट आई एवरेज इज इक्वल्स टू आई एम बाय पाई और यहां पर बन जाएगा माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी, जीरो से पाई की वैल्यू जो है इसके अंदर मैं पुट करूंगा, तो देयर फोर आई विल गेट आई एवरेज इज इक्वल्स टू आई एम बाई पाई। अब देखिए मेरे पास यहां पर ना माइनस ऑफ कॉस थीटा है, तो एक बार इस पे पाई की वैल्यू, दूसरी बार जीरो की वैल्यू, दोनों चीज पुट करके देखिएगा, तो एक बार पहले केस में आपके पास आ जाएगा वन, सेकेंड केस में माइनस ऑफ, अच्छा जीरो पुट किया ना तो माइनस ऑफ माइनस वन, ऐसे ये आएगा। तो फाइनली आई विल गेट आई एवरेज इज इक्वल्स टू वन एंड वन टू आई एम बाय पाई, या फिर इसी को लिखने का एक और तरीका है कि
आई एवरेज इज इक्वल्स टू 0.636 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम करंट, 0.636 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम या पीक करंट, क्लियर। सो ये आई एवरेज निकालने का कैलकुलेशन है, या वी एवरेज भी आप लिख सकते हो, फॉर्मूला ये है, इस तरीके से इसका एंड रिजल्ट है। आप दोनों में से किसी भी फॉर्म में इसको छोड़ सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप पूरा डेसिमल तक लेके आइए, लेकिन जब आप डिराइव कर रहे हैं तो पूरा कंडीशन स्टेप बाय स्टेप पूरा एक चीज समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। तो अगर आप ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं आप एवरेज निकाल सकते हैं। और इसके अलावा कोई दूसरा मेथड, हाँ मैंने आपको बोला ना कि एक और मेथड से मैं आपको बताऊंगा, तरीका यही है बट समझने का फेयर है थोड़ा सा, समझने में ज़रा सा अंतर, तो उसको भी मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। आप एग्जामिनेशन में किसी एक ही मेथड से बना के आएगा, ऐसा मत कर दीजिएगा कि चार पांच नंबर का सवाल पूछा और दोनों तरीके से डिराइव कर दिए कि सर हमको तो दोनों आता है। चलिए भाई, ये आ गया हमारा ऑल्टरनेटिंग वेव। अब आपको मैं एवरेज निकालने का तरीका जो बताऊंगा वो एकदम बेसिक तरीका है एवरेज का, जो हम स्कूल लेवल से पढ़ते हैं। ओमेगा टी रेडियंस के फॉर्म में यहाँ पर शो कर रहे हैं, और मान लीजिए यहाँ करंट की वेव फॉर्म है। अब मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि एक काम करिए, इस क्वांटिटी को, इसके पॉजिटिव हाफ को, पॉजिटिव ऑल्टरनेशन को जितने पॉसिबल इंस्टेंट से सब में डिवाइड कर दीजिए, जितने इंस्टेंट्स पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है, जीरो से पाई। तो कितने पॉसिबल इंस्टेंट्स हो सकते हैं, सब में डिवाइड कर दीजिए इसको। चलिए यहाँ से डिवाइड करना शुरू करता हूँ, ऑल पॉसिबल इंस्टेंट्स में इसको डिवाइड कर दिया मैंने। अब एवरेज नॉर्मली हम लोग निकालते कैसे हैं, एवरेज निकालने का क्या तरीका है? तो एवरेज निकालने के लिए हम करते हैं सम ऑफ ऑल द क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज, है ना। चलिए उसी तरीके से लिखेंगे, आई एवरेज, इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ ऑल्टरनेटिव मेथड, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्टरनेटिव मेथड, ठीक है, ये एक अलग ऑल्टरनेटिव मेथड है, चाहे तो इसको फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो पिछले पेज वाले को भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं यहां पर लिखूंगा आई एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द इंस्टेंट, ये जितने भी इंस्टेंट बन रहे हैं, जैसे पहला इंस्टेंट होगा यहाँ पे तो आई वन होगा, दूसरा इंस्टेंट आई टू होगा, ऐसा करते करते अप टू आई एन है, तो मैं उसको एन ना बोल के मैं पाई तक समझूंगा कि जीरो से पाई तक जितना स्पेस है मेरे पास सारे के सारे इंस्टेंट्स पे उसको मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक। तो मुझे चाहिए सम ऑफ ऑल द वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यू। सम ऑफ ऑल द वैल्यू कैसे निकलेगा भाई, एक इंस्टेंट का वैल्यू कितना है, आई एम साइन ओमेगा टी है ना, सारे इंस्टेंट्स चाहिए तो इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ लिमिट्स में, जीरो से पाई की लिमिट में, ठीक है। चलिए तो आई एम साइन ओमेगा टी हो गया डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैल्यू, तो नंबर ऑफ वैल्यू उतना ही हो सकता है जितना मेरे पास जो है इंस्टेंट्स है, जितना मेरे पास पूरा टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड के हिसाब से फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डी ओमेगा टी। ये एक और तरीका है, ऐसे भी चाहे तो आप समझ सकते हैं चीज़ों को। अब इसके आगे का डेरिवेशन सेम है, और एट द एंड आप फिर से इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, वैसे ही जैसे पिछले पेज में मैंने कराया, डिटो सेम चीज़ें। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि अगेन इट विल गिव यू द वैल्यू टू टाइम्स ऑफ आई एम अपॉन पाई, या फिर 0.636 टाइम्स ऑफ आई एम। तो आपको दोनों में से जो भी तरीका अच्छा लगे आप फॉलो कर सकते हैं, या तो ये मेथड है या पिछला वाला है, बात एक ही है, करना वही है, एट द एंड रिजल्ट भी सेम आएगा, ठीक है। तो बात ये कि एवरेज जो है वो आप क्वांटिटी का ऐसे निकाल सकते हैं, कंप्लीट साइकिल का एवरेज जीरो हो जाएगा, हाफ पोर्शन का या हाफ ऑल्टरनेशन का एवरेज जो है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इसकी वैल्यू टू टाइम्स ऑफ मैक्सिमम डिवाइड बाई पाई के बराबर आती है, ठीक। ये एक तरीका था, अगले मेथड पे आपको लेके चलता हूँ। नेक्स्ट मेथड जो है, नेक्स्ट मेथड बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ए सी और आर एम एस वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू या आर एम एस वैल्यू इसको बोला जाता है, ठीक है। कभी कभी एग्जामिनेशन में आर एम एस तो आप नाम सुने होते हैं, लेकिन कई बार एग्जामिनेशन में आर एम एस ना लिख के इफेक्टिव वैल्यू लिख देता है, तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये कौन सा नया रिप्रेजेंटेशन आ गया मैग्नीट्यूड्स का, रहता वही है, सेम थिंग है, ठीक है। सो वॉट इज द आर एम एस वैल्यू, मैग्नीट्यूड को बताने का एक और तरीका है जो आर एम एस है। इस मेथड के बारे में आपको दो तीन चीजें लिखवाऊंगा, ठीक है, ध्यान से लिखिएगा इसको। देखिए सबसे पहला थिंग, आरएमएस वैल्यू जो होता है इट इज अ यूनिवर्सल मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड
मेथड, इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग, द ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज, रिप्रेजेंटिंग द ऑल्टरनेटिंग, क्वांटिटीज। तो क्या बाकी नहीं है क्या यूनिवर्सली एक्सेप्टेड? बाकी के साथ क्या दिक्कत है? सभी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, लेकिन जब ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी को बाय डिफॉल्ट आप बताने पर आते हैं तो जो तरीका आप इस्तेमाल करते हैं वो यही होता है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल दिया था कि आप अगर बोलते हैं कि आपके घर पे 220 वोल्ट की ऑल्टरनेटिंग सप्लाई आती है, या 10 एम्पियर की करंट आ रही है, 5 एम्पियर की करंट आ रही है, तो ये जो आप 5 एम्पियर, 5 का जो डेटा बता रहे हैं, ये जो आप बता रहे हैं 220 वोल्ट, ये जो वैल्यूज हैं दे आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाई डिफॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ RMS वैल्यू। इनको बाई डिफॉल्ट RMS वैल्यू के फॉर्म में ही बता रहे हैं हम लोग। कहीं कोई आपको इससे पहले से ये नहीं बोलेगा कि अच्छा अब मैं आपको RMS वैल्यू बताने जा रहा हूँ 220, ऐसा नहीं है। बाई डिफॉल्ट जब आप बोल देते हो ना कि 220 वोल्ट की सप्लाई है, तो अपने आप वो अंडरस्टूड होता है कि RMS ही आपने बताया है। क्योंकि अगर RMS के अलावा कोई दूसरा फॉर्म अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तब आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत है। अगर आप पीक वैल्यू बता रहे हैं तो आप लिखेंगे उसके अंदर कि एम्पलीट्यूड ऑफ 220 वोल्ट, तो समझ में आएगा कि अच्छा पीक वैल्यू है, या एवरेज ऑफ 220 वोल्ट, उससे समझ में आएगा, या इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो RMS वैल्यू में बाय डिफॉल्ट क्यों बताते हैं? अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि यूनिवर्सली हम लोग RMS वैल्यू में ही सारी चीजें बताते हैं। आप न्यूमेरिकल बनाएंगे, आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जब लिखा रहेगा कि अ 220 वोल्ट AC सर्किट इज हैविंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर्स, तो वो जो 220 वोल्ट होगा या वो जो 3 एम्पियर्स होगा वो सब RMS में होगा या इफेक्टिव वैल्यू फॉर्म में होगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन बनता है कि ऐसा क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे का रीजन ये है इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट विच व्हेन ट्रांसफर्ड, थ्रू अ रजिस्टर, ऑफ नोन वैल्यू, फॉर अ पर्टिक्युलर ड्यूरेशन, प्रोड्यूसेस सेम वैल्यू ऑफ हीट विच विल बी प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग द डायरेक्ट करेंट थ्रू सेम रजिस्टर, फॉर सेम ड्यूरेशन, ऑफ टाइम। अब मैंने जो लिख दिया इतना सारा कुछ नोट्स, इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है? चलिए अपने वर्ड्स में बताता हूँ, नोट्स को आप पढ़ लीजिएगा आराम से, ये आपके लिए, क्योंकि इसको मैं सेंड कर दूंगा तो आपको अभी लिखना नहीं पड़ेगा, सारी चीज़ ये सब आपके पास अरेंज रहेगी। ठीक है, आप अपने लैपटॉप में या मोबाइल में इन सब सभी PDFs को अरेंज करते चले जाएंगे तो एक प्रॉपर नोट्स आ जाएगा जिसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए ठीक है, देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। बोलता है कि इट इज़ द वैल्यू ऑफ AC विच वैन ट्रांसफर्ड, चलिए छोड़े, बहुत ज़्यादा कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, इसको पढ़ लीजिएगा आप, मैं इसको अपने हिसाब से बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा रजिस्टर है, एक अननोन रजिस्टर है, ठीक है, अननोन होने से बात बनेगी क्या? नहीं, एक नोन रजिस्टर है, यू नो इट्स वैल्यू ऑलरेडी, आपको इसकी वैल्यू पता है। अब आप इस रजिस्टर के थ्रू डायरेक्ट करंट सप्लाई भेजते हैं, तो डायरेक्ट करंट सप्लाई भेजेंगे तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फंडामेंटल वहां पे काम करेगा। ठीक है, जहां पे एच इज इक्व टू आई स्क्वायर आर टी का फॉर्म आप लिखते हैं, है ना, एच इज इक्व टू आई स्क्वायर आर टी, तो ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फंडामेंटल बताता है कि जितनी करंट उस रजिस्टर के थ्रू जा रही है उसके आधार पे हीट डिसिपेशन होगा, और वो कितना हीट डिसिपेशन होगा वो आई स्क्वायर आर टी से पता चल रहा है। तो लेट अस सपोज कि एक्स अमाउंट ऑफ हीट जो है वो डिसिपेट हो रहा है इन डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आपने 5 मिनट के लिए इस रजिस्टर से भेजा डायरेक्ट करंट, किसी भी मैग्नीट्यूड का भेजा होगा, उससे कुछ एक्स डिग्री का हीट जो है वो डिसिपेशन हुआ।
अब करना ये है कि आपको इसी रजिस्टर से, उसी सेम रजिस्टर से उतने ही ड्यूरेशन के लिए, यानी उसी 5 मिनट के लिए ऑल्टरनेटिंग करंट भेजना है आप, और तब तक उसकी वैल्यू को बदलते रहना है जब तक ऐसा समय ना आ जाए कि 5 मिनट के अंदर वो ऑल्टरनेटिंग करंट भी उतना ही एक्स वैल्यू का हीट डिसिपेशन करे। मतलब तब डीसी से बनने वाला हीट और एसी सप्लाई से बनने वाला हीट दोनों एकदम बराबर आ जाएंगे, तो हम समझेंगे कि ऑल्टरनेटिंग करंट की ये जो वैल्यू है जिस पर ये हीट डिसिपेशन मिला, ये उस डायरेक्ट करंट की वैल्यू के इक्विवेलेंट है, समानांतर है, ठीक है, एकदम समान है उसके। तो मतलब ये हो गया कि अगर यही चीज़ इस पूरे थ्योरी के अंदर भी बताया हुआ है कि अगर मान लीजिए एक रजिस्टर ऑफ नोन वैल्यू है ना, कि इफ़ वी हैव अ रजिस्टर ऑफ नोन वैल्यू और इसके थ्रू मैं ऑल्टरनेटिंग करंट भेज रहा हूँ, या सबसे पहले तो डायरेक्ट करंट सप्लाई भेज रहा हूँ, मान लो टाइम यहाँ पर लिखा हुआ है 5 सेकेंड, और इससे कुछ हीट जो है वो एक्स डिग्री सेंटीग्रेड का हीट डिसिपेशन हुआ। हाँ, तो अब कोशिश आपको ये करना है कि इसी रजिस्टर से आप ऑल्टरनेटिंग करंट भेजिए, टाइम उतना ही रखिए सेम, और इसकी वैल्यू को ऐसा ऑल्टर करिए कि इतने ही देर में ये भी बराबर मात्रा का हीट डिसिपेशन कर सके। तो अगर ये दोनों की हीट जो है ये इक्विवेलेंट रहेगी, तो इसका मतलब इन दोनों सप्लाईज की जो मैग्नीट्यूड है, इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो भी इक्वल रहेगा, या इक्विवेलेंट रहेगा, इक्वल नहीं बोलना चाहिए, इक्विवेलेंट रहेगा, ठीक है। तो एसी की यही मैग्नीट्यूड बताने के लिए हम आरएमएस वैल्यू बोलते हैं उसको। मतलब आरएमएस जो होता है उसका डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं है, डेफिनेशन इज अ डिफरेंट पार्ट, इट्स नेम आरएमएस इज डिफरेंट पार्ट। वो उसको कैलकुलेट करने के तरीके से निकल के आता है। कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्या हर बार एक रजिस्टर लेके उसके थ्रू करंट भेज भेज के चेक करेंगे क्या कि कितना का कितने मैग्नीट्यूड का एसी होना चाहिए? नहीं कर सकते ना, ये पॉसिबल नहीं है बार बार। तो आपको एक ऐसा सेट रूल चाहिए था, एक ऐसा सेट मेथड चाहिए जिससे कि आप एक बार में कैलकुलेशन करके बता दें कि भाई हमको अगर इतना हीट चाहिए, इतना वर्क डन चाहिए, तो आपको ऑल्टरनेटिंग करंट कितने की भेजनी पड़ेगी एज अ आरएमएस, जो डीसी का इक्विवेलेंट हो। और जैसे अगर मान लीजिए आप एक इन्वर्टर बना रहे हैं, तो इन्वर्टर के अंदर तो बैटरी लगी रहती है ना, डीसी बैटरी, डायरेक्ट करंट वो कैसे आपके घर के ऑल्टरनेटिंग करंट की चीज़ों को चला लेता है, क्योंकि उसको भी जब इन्वर्ट करना है तो उसको भी उतना इक्विवेलेंट एनर्जी देना पड़ेगा ना, कि जो बल्ब आपका एसी सप्लाई पे जैसा जल रहा था वैसे ही उस इन्वर्टर की बैटरी के आउटपुट से भी वैसे ही जले वो बल्ब। तो इस सब कैलकुलेशंस के लिए आपको आरएमएस वैल्यू का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए अब आरएमएस जो होता है वो इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के तरीके से निकल के आया, ये नाम, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसका एक सेट ऑफ रूल है जिसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर। तो ये तीन कॉम्बिनेशंस का यूज़ करते हैं तो आरएमएस बन जाता है, और इसी तीन कॉम्बिनेशन से कैलकुलेट होता है एसी। कैसे कैलकुलेट होता है चलिए देखें, आरएमएस वैल्यू कैलकुलेशन नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसका थ्योरेटिकल पोर्शन जो है इफेक्टिव वैल्यू का वो कंप्लीट कर लिया। अब इसके आगे का पोर्शन जो है, यानी कि इसका डेरिवेशन पार्ट जो है वो देखते हैं कि इस इफेक्टिव वैल्यू का कैलकुलेशन जो है, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि एक रजिस्टर ऑफ फिक्स वैल्यू है और उसके थ्रू जो अमाउंट ऑफ करंट जा रही है उसकी वजह से हीट डिसिपेशन जो है वो उतना ही होगा जितना डीसी सप्लाई हम उसी रजिस्टर से उतने ड्यूरेशन के लिए देते हैं, तो उससे होता। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हर बार तो ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर सकते हैं ना, तो इसका कैलकुलेशन करने का जो तरीका है दैट इज नोन एज द रूट मीन स्क्वायर मेथड। दिस इज नोन एज पर्टिकुलरली, दिस इज नोन एज द रूट मीन स्क्वायर मेथड फॉर एसी, या रूट मीन स्क्वायर ऑफ एसी बोलते हैं इसको, ठीक है, कि रूट निकालना है, मीन निकालना है और स्क्वायर करना है आपको किसका, एसी का। व्हाट इज एसी, एसी इज द अल्टरनेटिंग करंट। तो करंट का इंस्टेंटेनियस इक्वेशन आपके पास कितना है, तो देखिए करंट का इंस्टेंटेनियस इक्वेशन आपके पास होता है आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। अब जो लिखा हुआ है ये बेसिकली इसको डिराइव करने का या उस वैल्यू तक पहुंचने का एक तरीका आपको बताया हुआ है, और इसी तरीके को आप फॉलो करेंगे और इससे आप उस वैल्यू तक पहुंच जाएंगे जो डीसी की इक्विवेलेंट रहेगी, ठीक है। चलिए ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग ये करते हैं कि यहाँ पे साइड पर लिखते हैं स्क्वायरिंग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर का पोर्शन करेंगे, उसके बाद एवरेज निकालेंगे और लास्ट में रूट निकालेंगे जो अपना रिजल्टेंट आएगा उसका, ठीक। और एक्सपेक्ट करते हैं कि देखते हैं क्या वैल्यू अपने को मिलती है। तो उसका स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। और एक्सपेंड करना है क्या इसको, कर सकते हैं, और आप लिख लीजिए आई एम स्क्वायर वन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू,
लिख सकते हैं ये भी हम लोग। चलिए ठीक, अब एक काम करते हैं, इसका मीन निकालते हैं। स्क्वायरिंग तक ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं इसके मीन वैल्यू के फॉर्म में। ठीक, चलिए भाई स्क्वायरिंग हो गया, नाउ नेक्स्ट इज द मीन। अब मीन इसका कैलकुलेट करेंगे तो आई विल बी इक्वल टू, देखिए इसका एवरेज निकालने का मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कैसे निकालना है, आप उस तरीके से कैलकुलेट कर लीजिए। कॉन्स्टेंट पोर्शन को बाहर कर लीजिए, आई एम स्क्वायर बाई टू, जीरो से पाई के लिमिट्स में हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी और डिवाइडेड बाई द एरिया अंडर द कर्व। ठीक, या तो उस तरीके से करें या फिर आप इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के फॉर्म में डिवाइडेड बाई द टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंट्स पॉसिबल, उस हिसाब से भी आप करें तो भी आपको यहाँ से पाई माइनस जीरो दिखता है। डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है तो पाई को भी बाहर निकाल लीजिए, सो वी विल गेट आई इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर अपॉन टू पाई। अब देखिए वन का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में दैट विल बी ओमेगा टी, जीरो से पाई की लिमिट आपको इसके अंदर पुट करनी है। व्हाट अबाउट द माइनस कॉस टू थीटा, तो कॉस टू थीटा का इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, दिस विल बिकम साइन टू थीटा बाय टू, इस पर भी आपको जीरो और पाई पुट करना है। अब एक चीज़ आप खुद ही नोटिस कर सकते हैं कि साइन टू थीटा बोला है तो उसमें आप पाई पुट करिए 180, वो भी 360 बनाएगा, जीरो पुट करिए वो भी इसको जीरो करेगा, तो इन बोथ द केसेस दिस राइट हैंड साइड वैल्यू इज ऑलरेडी गोइंग टू बी जीरो, ये तो पहले ही फिक्स है कि दिस इज गोइंग टू बिकम जीरो। अब आपके पास ये वाला पोर्शन बस खाली बचता है तो इसी में आप डेटा पुट कर दीजिए, इसकी लिमिट्स पुट कर दीजिए, यू विल गेट आई इज इक्वल्स टू आई एम का स्क्वायर अपॉन टू पाई इंटू पाई माइनस जीरो। अब पाई और पाई को आप कैंसिल आउट कर दीजिए, ये देखिए ये पाई और ये पाई यहाँ से कैंसिल आउट हो गया और आपके पास बचा आई इज इक्वल्स टू आई एम स्क्वायर बाई टू। क्या ये आंसर है क्या? नहीं, आपने अभी तक दो स्टेप किया, क्या क्या किया है आपने, अभी स्क्वायर कैलकुलेट किया, अभी मीन कैलकुलेट किया, अब एक चीज़ और बच गया यहाँ से, एक और चीज़ बचा हुआ है दैट इज रूट। चलिए अब रूट निकालते हैं इसी वैल्यूज का, सो नाउ रूटिंग बोथ द साइड्स रूट। अब जब मैं रूट लिखूंगा तो इट विल बिकम आई आर एम एस, स्क्वायर पहले ही कर लिया, मीन अभी किया और अब रूट करने जा रहे हैं, तो आई आर एम एस लिखूंगा मैं लेफ्ट हैंड साइड पर और इधर लिखूंगा आई एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, इस पूरे को रूट के अंदर पुट कर दीजिए। देखिए यही आया था ना यहाँ तक, आई एम का स्क्वायर बाई टू, इसको मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, दिस विल बिकम फाइनली आई एम बाई रूट टू। क्या वैल्यू आई? दिस इज आवर आई आर एम एस या आई इफेक्टिव, जो भी आप चाहें इसको बोल सकते हैं। सेम थिंग फॉर करंट, सेम थिंग फॉर वोल्टेज। वोल्टेज का एक्सप्रेशन भी कोई निकालने बोले तो आप ऐसे ही शो कर सकते हैं। अच्छा, इसको और अगर इलेबोरेट करना है तो आप ये भी लिख सकते हो कि आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 टाइम्स ऑफ आई एम, वन अपॉन रूट टू की वैल्यू जो है वो भी आप इसके अंदर पुट कर सकते हैं। ठीक है, सो इन बोथ द केसेस आप किसी भी फॉर्म में इसको शो करें, ये दोनों ही इफेक्टिव वैल्यू है और इफेक्टिव वैल्यू को भी हम मैक्सिमम के या पीक के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिकॉज दैट इज फिक्स्ड, क्वांटिटी के अंदर पीक कितना होगा वो फिक्स रहेगा आपके पास, है ना, उसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। तो हम उसी कॉन्स्टेंट वैल्यू के रिस्पेक्ट में ही चाहे आर एम एस बताएं या एवरेज वैल्यू बताएं। तो अगर सपोज कर लो आपको किसी क्वांटिटी की पीक वैल्यू पता है, उसको रूट टू से डिवाइड कर दोगे तो जो वैल्यू मिलेगा उसी का इक्विवेलेंट डीसी भी अगर आप सप्लाई दे देते हैं उसके अंदर तो आपकी डिवाइस सेम तरीके से वर्क करेगी। अगर उस डीसी को इन्वर्ट कर देते हैं, इन्वर्टर लगा करके उसको एसी की तरह बना करके यूज करेंगे तो आपकी डिवाइस पर वैसे ही एनर्जी डिसिपेशन होगा जैसे एक्चुअल एसी सप्लाई पर होना चाहिए था। ठीक, तो मतलब इन बोथ द कंडीशन जो एनर्जी डिसिपेशन है या जो वर्क आउटपुट जो मिलेगा वो आपको एक समान मिलेगा। तो इसीलिए इन्वर्टर जो है, आप देखिएगा जब आप इन्वर्टर खरीदने जाते हैं तो साइन वेव इन्वर्टर खरीदा जाता है नॉर्मली घर के इस्तेमाल के लिए, तो ये इसका फंडामेंटल यहाँ से फिट होता है। तो वैसे ही जैसे मैंने आपको आई आर एम एस बताया, आपको वी आर एम एस भी क्वेश्चन में पूछेगा तो वी एम बाई रूट टू लिखेंगे, ई आर एम एस पूछेगा तो ई एम बाई रूट टू लिखेंगे। ठीक, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वैल्यू, क्वेश्चन में दिया हुआ कोई भी करंट वोल्टेज ये सब कुछ आर एम एस फॉर्म में रहता है, क्वेश्चन में पूछा हुआ करंट वोल्टेज वो भी आर एम एस फॉर्म में ही रहता है। अगर आपको लिखा है कि फाइंड द ब्रांच करंट इन द सर्किट, कहीं भी ये नहीं लिखा रहेगा कि आर एम एस फॉर्म में निकालो या एवरेज में निकालो, आपकी अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि बाय डिफॉल्ट आपको वो आर एम एस में ही कैलकुलेट करना है अनलेस एंड अनटिल कुछ और स्पेसिफाई जब तक ना हो। कि मान लो आपको बोल दिया कि फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, तब तो भाई क्लियर है ना कि उस कंडीशन में तो हमको मैक्सिमम करंट ही निकालना है, लेकिन अगर कुछ नहीं बोला तो एकदम श्योर रहिएगा कि बाय डिफॉल्ट आपको आर एम एस वैल्यू ही पूछ रहा है, आर एम एस वैल्यू ही दिया है सवाल में, क्योंकि उसको छोड़ के कुछ और दिया रहेगा तो मेंशन करेगा कि एवरेज दिया हुआ है कि पीक दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कंडीशन है। तो इसी के साथ आपका ये जो मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो भी होता है कंप्लीट। तो स्लाइड में देखें हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले थे, तो भाई हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कंप्लीट कर लिया पहले वो देख लेते हैं। तो हमने बेसिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन देखा कि ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन कितने फॉर्म में हो सकता है, कि मैग्नीट्यूड फॉर्म में,
या ग्राफिकल फॉर्म में या मैथमेटिकल फॉर्म में, ठीक है। तो बेसिक समझ लिए, फिर उसके बाद ग्राफिकल फॉर्म और मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है उसको हम लोगों ने अभी जस्ट कंप्लीट किया, ठीक। अब आपको मैं तीसरे पॉइंट पर लेके आता हूँ, दैट इज द फैक्टर्स एस्टैब्लिशिंग द रिलेशन बिटवीन एसी मैग्नीट्यूड्स। एसी की मैग्नीट्यूड्स के बीच में जो रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं वो कौन से फैक्टर्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग। अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज, छोटा सा टॉपिक है, दो नंबर का क्वेश्चन बन सकता है इस टॉपिक से, फैक्टर्स एस्टैब्लिशिंग, फैक्टर्स एस्टैब्लिशिंग द रिलेशन बिटवीन द मैग्नीट्यूड्स, बिटवीन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ एसी, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ एसी को के बीच का रिलेशन जो है वो एस्टैब्लिश करते हुए क्या फैक्टर्स है हमारे पास, चलिए समझते हैं इसको। अभी तक मैग्नीट्यूड में आपने चार फॉर्म पढ़ लिया कि इंस्टेंटेनियस फॉर्म हो गया, एवरेज हो गया, पीक हो गया, आरएमएस फॉर्म हो गए। इनके बीच का जो रिलेशन है, या कई जगह पे हमको इंडस्ट्री में कई सारे वर्क्स के लिए कुछ पर्टिकुलर फैक्टर जो है उसकी जरूरत पड़ती है। अभी आप साइनसॉइडल वेव के बारे में पढ़ रहे हैं, आगे चल के मैं आपको स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर वेव के बारे में भी बताऊंगा, तो वहां पर भी आप देखेंगे कि ये फैक्टर्स की वैल्यू में क्या चेंज आता है, और ये क्वांटिटीज का जो मैग्नीट्यूड हम बता रहे हैं वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, इसको समझिएगा ध्यान से। तो सबसे पहला चीज तो आप ये समझ लीजिए कि जो ग्राफिकली एक क्वेश्चन बनता है इससे कि ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड्स को उसके सीक्वेंस में अरेंज कर दो, कि भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है आपको, ठीक है। तो पहले उसको समझ लेते हैं, फिर बाकी की चीजें आपको बताऊंगा। तो सबसे फर्स्ट थिंग देखिए, अगर ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी की वेव है, ये सपोज कर लीजिए स्टैंडर्ड ऑल्टरनेटिंग करंट का वेव है, ठीक। तो इसका पीक वैल्यू जो है वो कहां पर दिख रहा है आपको, दिस इज इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है, ये क्लियर है हमको, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई एम, ये पीक वैल्यू, ठीक। तो ये सबसे हाईएस्ट रहता है। देन उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारे पास क्या होता है, सेकंड नंबर पर इससे कम जो होता है दैट इज द आरएमएस वैल्यू, जो आपको इस आसपास दिखाई देता है, ये देखिए। तो यहां पर जो हम लोग शो कर रहे हैं, दिस इज नथिंग बट IRMS, IRMS, ठीक है, जो इस पॉइंट पर शो हो रहा है। और इससे भी ज़्यादा नीचे, इससे भी ज़्यादा नीचे जो वैल्यू हम लोग शो करते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज उससे भी ज़्यादा जो छोटी वैल्यू जो रहती है, दैट इज़ आई एवरेज। ये हमारा एवरेज करंट जो है, या एवरेज वोल्टेज, जो भी आप जिसकी भी ग्राफ शो कर रहे हो, वो मेंशन होता है यहाँ पर। तो ये इसका सीक्वेंस है, इसको ध्यान में रखिएगा। कारण क्या है इसका, इसको ऐसे क्यों दिखाया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आई मैक्स के टर्म्स में देखूं तो आई एवरेज जो होता है ये 0.636 टाइम्स ऑफ आई एम होता है, आई आरएमएस जो होता है वो 0.707 टाइम्स ऑफ आई एम होता है, और ये तो खुद ही आई एम है। तो इसी वजह से ये सीक्वेंस मिलता है, आरएमएस की वैल्यू जो होती है वो एवरेज वैल्यू से बड़ी रहती है लेकिन मैक्सिमम से छोटी रहती है, और एवरेज वैल्यू जो होता है वो सबसे लोएस्ट रहता है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट का अगर आप एवरेज निकाल रहे हैं तो सबसे लोएस्ट मैग्नीट्यूड आपको मिलता है वहां पर। क्लियर है यहां तक सभी को, ठीक है। इस पॉइंट तक आप बढ़िया से तरीके से समझ जाएंगे, रिवाइज कर लेंगे अच्छे से। चलिए अब आपको मैं नेक्स्ट फैक्टर्स के ऊपर लेकर के चलता हूं। अब फैक्टर्स में हम लोग दो फैक्टर्स जो है उसको स्पेसिफिकली स्टडी करते हैं। कौन कौन से दो फैक्टर्स हैं, तो देखिए सबसे पहला होता है, फर्स्ट वन इज द फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, ठीक है। पहला जो फैक्टर है दैट इज द फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या बताता है आपको, इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, RMS वैल्यू डिवाइडेड बाई एवरेज वैल्यू ऑफ AC। इस फॉर्म में हम लोग क्या बताते हैं, फॉर्म फैक्टर को बताते हैं, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में इससे क्या डेटा मिलेगा, जरा समझते हैं। मान लीजिए करंट है, तो मुझे फॉर्म फैक्टर को K ऑफ F से हम लोग डिनोट करते हैं कई बार, तो इसको लिखना है अगर, तो मैं लिखूंगा आई आर एम एस अपॉन आई एवरेज,
फिर तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो अगर ऐसा लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, आर एम एस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू, तो ज़रा इसकी वैल्यू देखेंगे क्या हो जाएगा। फिर आर एम एस की वैल्यू होती है 0.707 टाइम्स ऑफ आई एम, और एवरेज की वैल्यू होती है 0.636 टाइम्स ऑफ आई एम। अब बताइए दोनों को डिवाइड करके, मेरे पास मेरा मोबाइल जो है वो शायद नहीं है यहाँ पे, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसको डिवाइड कर लीजिएगा, मैं वैल्यू आपको बता देता हूँ। ऐसे फिक्स वैल्यू होती है क्योंकि इसकी वैल्यू बदलती नहीं है, दिस इज ऑल फिक्स्ड। एक पर्टिकुलर टाइप के वेव के लिए उसका फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर एकदम सेम रहता है, फर्क नहीं पड़ता इररेस्पेक्टिव ऑफ कि उसका पीक जो है या उसका आर एम एस या एवरेज चाहे कितना भी आ रहा हो, उनका जब ऐसा रेशियो आप निकालेंगे तो हमेशा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, हमेशा इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 1.111। ये फॉर्म फैक्टर की वैल्यू होती है। आप इसको एक बार कैलकुलेट करके जरूर से चेक कर लीजिएगा, लेकिन ठीक है इसको प्रॉपरली आप कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा। दिस इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, ये बदलता नहीं है। आप किसी भी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए जो आरएमएस निकालेंगे, उसी क्वांटिटी का अगर एवरेज भी निकालेंगे उसके फॉर्मूले से, तो आप देखिएगा उनका जब भी आप रेशियो लेंगे हमेशा यही डेटा आपको मिलेगा। एक तरीके से आप इससे वेरीफाई भी कर सकते हैं। और ये फॉर्म फैक्टर जो होता है वो एक पर्टिकुलर टाइप की वेव को भी बताता है कि उसके मैग्नीट्यूड्स का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा जो फैक्टर होता है, द सेकेंड वन इज नोन एज पीक फैक्टर। सेकेंड जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं पीक फैक्टर। पीक फैक्टर क्या चीज बताने के लिए होता है? देखिए पीक फैक्टर जो है किन के बीच का रिलेशन स्टैब्लिश करता है, तो भाई पीक फैक्टर जो है वो नाम से समझ में आ रहा है, पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, इन दोनों क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन स्टैब्लिश करता है। ठीक है, तो इसमें लिख देते हैं इट इज द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू, टू द आरएमएस वैल्यू। ठीक है, शॉर्ट में लिखिएगा। तो पीक वैल्यू मतलब आईएम और आरएमएस मतलब आईएम बाय रूट टू। भाई आरएमएस को ऐसे ही लिख सकते हैं ना हम लोग, तो ये जो हो गया दिस इज योर पीक फैक्टर। इसको फुल फॉर्म में लिख लेता हूं, नहीं तो पावर फैक्टर जैसा दिखेगा। दिस इज पीक फैक्टर, ठीक है, तो ये आपका पीक फैक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो पीक वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू ऑफ अ सेम वेव, किसी एक ही सेम वेव जो है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो ये वैल्यू मिलेगी आपको। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आपको 1.414 जो है वो मिलनी चाहिए। क्या इनकी कोई यूनिट होती है क्या सर? इनकी कोई यूनिट नहीं होती है। कभी भी ध्यान रखिएगा, रेशियोस या फैक्टर्स इनकी कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि जो जिन दो चीज़ों को आप डिवाइड कर रहे हो वो दोनों एक ही यूनिट के, दोनों एम्पियर्स एम्पियर्स में। इनका अगर करंट है तो वोल्टेज वोल्टेज के फॉर्म में आप डिवाइड करोगे तो भी आपको उसी फॉर्म में मिलेगा। तो नो यूनिट, देर इज नो स्पेसिफिक यूनिट, दीज आर द यूनिटलेस कंडीशन। ये सिर्फ रिलेशंस हैं एक दूसरे के कंडीशंस के, कि भाई इस मैग्नीट्यूड का दूसरे मैग्नीट्यूड के साथ किस तरीके का रिलेशन है। ठीक है, तो उसको एस्टैब्लिश करता हुआ ये दो फैक्टर्स है। तो आपके ऑल्टरनेटिंग करंट में जब जब आप साइनोसॉइडल वेव के बारे में पढ़ेंगे तो फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर के लिए इस पेज के नोट्स को रेफर करिएगा। और नोट से मुझे याद आया कि आज के क्लास की नोट जो है आपको दो पार्ट्स में मिलेगी, ड्यू टू सम रीज़न जो है नोट्स आधा हिस्सा अलग हो गया और दूसरा आधा हिस्सा जो है वो इसलिए मैं दोबारा लिख रहा हूँ प्रॉपर से कि आपके पास ये सेव हो जाए। तो दो पार्ट्स में मिलेगा, नोट्स एक ही रहेगा, एक ही क्लास का नोट्स रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस पॉइंट के आगे। तो भाई इसी के साथ हमारा ये जो फैक्टर जो हम इस्टेब्लिश कर रहे थे ये भी हो गया कंप्लीट। तीसरा टॉपिक, लास्ट टॉपिक पे आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द अबव टॉपिक। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाते हैं, देखते हैं कि अभी तक जो आपने सीखा उसे एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन बनाया आज तक। ये कहाँ का पेपर है? CSVT 2020 का पेपर दिखाई दे रहा है। ठीक है, नवंबर दिसंबर 2020 का ये पेपर है। 100 नंबर का पेपर है, 35 मार्क्स इस पर लिखा हुआ है। पासिंग बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें एक्टिव पैसिव लीनियर नॉन लीनियर, ठीक है, यहाँ पर आ गया यूनिट टू इस पोर्शन पर। इसमें लिखा हुआ है डिफाइन द एवरेज वैल्यू इफेक्टिव वैल्यू फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी। कितने मार्क्स का आया? 4 नंबर का आया। चार चीज़ें पूछा, 4 मार्क्स का है, मतलब हर एक चीज़ जो है आपसे एक एक मार्क्स में पूछा हुआ है। तो क्या वहाँ पर एवरेज वैल्यू का डेरीवेशन करेंगे या इफेक्टिव वैल्यू का डेरीवेशन करना ज़रूरी है क्या? कोई खास जरूरी नहीं है। स्टेटमेंट लिख सकते हैं, उसके नीचे आप चाहें तो उसका एंड रिजल्ट जो है उसको लिख सकते हैं। ऐसे केस में बहुत ज़्यादा डिराइव मत करिएगा। कोई एक चीज़ पूछता और 2 नंबर देता या 4 नंबर देता तो मैं आपको सजेस्ट करता कि डेफिनेटली डेरिवेशन कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। हरियाणा यूनिवर्सिटी का पेपर है, देखते हैं इसमें क्या
क्या पूछा हुआ है? पावर मेजरमेंट, ऑटो ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर रेगुलेशन, थेवनिन थ्योरम, किरचॉफ्स लॉ, एनालिसिस ऑफ सिंपल सर्किट विद डीसी एक्साइटेशन। और देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है आरएमएस वैल्यू का कितने में है, 2.5 मार्क्स है क्या ये? अच्छा, तो 2.5 मार्क्स में पूछा हुआ है। वोल्टेज करंट पावर फैक्टर पे अभी नहीं पहुँचे हम लोग। सिग्निफिकेंस ऑफ फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम का बेसिक जो है आप बता सकते हैं, फेजर डायग्राम के बारे में भी आप पढ़ लिए हैं। फेजर डायग्राम क्या होता है, उसको कैसे ड्रॉ करते हैं? अब लाइन ऑफ डेफिनेट लेंथ जो कि उस क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड को शो कर रही है, तो उसके बेसिस पर आप फेजर बनाते हो कि स्पेस में ओमेगा रेडियंस पर सेकंड की एंगुलर फ्रिक्वेंसी से एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूमते हुए हम अज्यूम करते हैं इन क्वांटिटीज को। यही सारी बातें आपको बतानी है इस 2.5 नंबर के क्वेश्चन के भीतर, ठीक है? तो ये दो क्वेश्चन मतलब 2.5 और 2.5-5 नंबर का आज के क्लास में आपने जो पढ़ा है उससे 5 मार्क्स आपके प्रिपेयर हो सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 2 से 4 नंबर, 5 नंबर के आसपास का प्रिपरेशन आपका होता है। और चलिए देखें तो इसमें कोई क्वेश्चन आया था क्या? ये कहाँ का पेपर है? JNTU का 2020 का पेपर है, ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम का। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए इसके भी बी पॉइंट पर लिखा हुआ है इसके बारे में। ये देखिए यहाँ पर, ये वाले बी पॉइंट पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है डिफाइन, थोड़ा जूम करना पड़ेगा आपको, तो डिफाइन द आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू जो है उसको डिफाइन करने बोल रहा है आपको। कितने नंबर में पूछा? 2 नंबर में पूछा यहाँ पर। फ्यूज, थेवनिन थ्योरम, पॉलीफेज, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, ठीक है। यहाँ से तो सिंगल फेज एसी का न्यूमेरिकल और क्वेश्चन आया हुआ है, इसको देखते हैं जब पहुँचेंगे तो। हाँ देखिए यहाँ पर एक और काम का डेटा आया हुआ है, इधर देखिए इस पर देखिए आपको लिखा हुआ है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। पहला टर्म दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट टर्म इज फ्रीक्वेंसी, कर लेंगे डिफाइन। फिर सेकेंड टर्म जो है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पीक फैक्टर, और इस पर लिखा हुआ है फॉर्म फैक्टर, बना लेंगे आप लोग इसको। इसका मार्क्स छुप गया है लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, दिस इज अ 5 मार्क क्वेश्चन, क्योंकि 2 मार्क्स वाले तो यहाँ पर ख़त्म हो गए। और हर सेक्शन का पहला जो ए सिस्टम है या ए बी जो है वो 5-5 मार्क्स के हैं, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये तीनों को मिला के 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। 5 नंबर का पूछा है, आप एकदम प्रॉपर अच्छा डायग्राम ड्रॉ करके इसमें बता सकते हैं, ठीक है। EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर पूछ लिया, ठीक है, अभी वहाँ पहुँचेंगे तो वो भी बताऊँगा मैं आपको बढ़िया से, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन अभी इस पेपर में से आप बना लेंगे आज के पढ़े हुए से, चलिए ठीक है। और नेक्स्ट पेपर पे आते हैं, किसी और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का पेपर है क्या? ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन पेपर 2020 का, है ना, एंड सेम एग्जामिनेशन का। तो इसमें देखते हैं ट्रांसफार्मर कोर, आरएलसी सीरीज, रेजोनेंस, रेजोनेंस पे तो अभी पहुँचे नहीं हम लोग, देखें इसमें से और कोई क्वेश्चन बनेगा क्या। अच्छा एक पेज और है इसका, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंट, नहीं इसको नहीं पढ़े अभी। MCB, फेज एंड लाइन वोल्टेज फॉर स्टार, स्पीड और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पावर, एक्सप्लेन वाई अ डीसी मोटर शुड नॉट बी स्टार्टेड विदाउट अ लोड, नहीं इसमें से अभी फिलहाल इसके मेजर टॉपिक्स पे हम लोग नहीं पहुँचे हैं, जब पहुँचेंगे तो बनेगा इसका क्वेश्चन। पावर फैक्टर अभी कुछ दिन में पढ़ लेंगे, आरएलसी सीरीज रेजोनेंस भी पढ़ लेंगे, ये सब क्वेश्चन बनने लग जाएगा आपसे, ठीक है। यहाँ पे भी रेजोनेंस का पूरा एक्सप्रेशन आपको पूछा है ना डिराइव करने को, मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। तो उसके अभी क्वेश्चंस उस पेपर के तो नहीं बनेंगे, चलिए देखते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में आप ऐसी कंसिस्टेंटली कंटिन्यूसली लेक्चर देखते रहेंगे तो वो जितने टॉपिक के क्वेश्चन दिख रहे हैं एक पॉइंट पर आपसे सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे जितने भी यहाँ पर दिख रहे हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, ये मुंबई यूनिवर्सिटी का 2018 का पेपर है, लिखा हुआ डिफरेंस बिटवीन द आइडियल एंड एक्चुअल सोर्स, ठीक है, ये तो अलग चैप्टर का है। इक्वेशन फॉर रेजोनेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ही पूछा है, ठीक। और देखें जरा इसमें कुछ काम का था क्या, थेवनिंस पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ मैश एनालिसिस, ठीक है, ये तो बन जाएगा मैश एनालिसिस वगैरह का। और यहाँ पर कुछ काम का वीएल सुपरपोजिशन, इक्विवेलेंट सर्किट, मैक्सिमम एफिशिएंसी, आरएलसी पैरेलल सर्किट, करंट थ्रू रेजिस्टर, और इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है, छोटा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। और ये टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है वो भी साथ में आ गई जिसको कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब फिलहाल ये जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं आई होप कि इनको आप बना लेंगे, जो भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के मैं क्वेश्चंस आपके सामने अभी लाया जिसमें जितने भी में भी आपके एग्जामिनेशन का क्वेश्चन दिख रहा है उतने क्वेश्चंस आपसे ज़रूर से ज़रूर बनेंगे। तो आप एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा, आप अपने खुद की यूनिवर्सिटी का भी पेपर एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए थॉरोली, ये टॉपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको ज़रूर दिखेगा किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे 2 मार्क्स के फॉर्म में, 4 मार्क्स के फॉर्म में या 5 मार्क्स के फॉर्म में, ठीक है। नॉर्मली 7 मार्क्स में इनका डिटेल डेरिवेशन नहीं पूछता है, अगर इन केस पूछ लिया तो आप डेफिनेटली बता लेंगे। इनके ऊपर अलग से न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो नहीं बनता है, सेपरेटली न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसे यूनिवर्सिटी में नहीं आएगा, वो स्कूल लेवल के फिजिक्स में जो है उसका क्वेश्चन आपको एकदम डेडिकेटेड क्वेश्चन न्यूमेरिकल का देखने को मिल सकता है। तो इसलिए उसके लिए टेंशन नहीं लेना आपको, बस इसका डेरिवेशन पार्ट अच्छे से करिएगा और
स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन, बस इतना काफी है। तो बस इसी के साथ आज का सेशन अब एंड अप करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। इसके आगे का टॉपिक ऐसे ही डिटेल फॉर्म में आपको पूरा का पूरा कंटेंट बताऊंगा, सारा कुछ आपके यूनिवर्सिटी सिलेबस के हिसाब से बेस्ट वे में कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अभी वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूँ, और आप मस्त तरीके से रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आपके लिए लाइव सेशन जो है जल्दी लेकर के आऊँगा, लाइव में हम लोग डाउट डिस्कशन, डाउट सॉल्विंग भी करेंगे, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो भी आपको करवाऊंगा जल्दी। तो तैयार रहिएगा, आपको लाइव सेशन का अपडेट जो है मैं जल्दी बताने वाला हूँ। तो मिलते हैं आप सभी से अब नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। जय हिंद।